इंडियन टीवी सीरियल सोसाइटी को आगे ले जाने की जगह पीछे लेके जा रही है। इनकी स्टार्टिंग हुई सास बहू से, फिर आ गई है बाल विवाह पे, और फिर आ गई है नागिन सीरियल पे। नहीं मतलब अब वो दिन दूर नहीं है जब केले के पत्ते लपेट करके उलाला लाला ये करके ये लोग सीरियल बनाए, उसमें भी सोना लगवा रखेंगे क्योंकि भाई अमीर दिखानी है। हमारे यहाँ कोरोना इलेक्शन से डरता है और गरीबी सीरियल से, जहाँ सीरियल हो वहाँ गरीबी हो ही नहीं सकती। इंडियन पेरेंट्स सीरियल से इतना ज्यादा अटैच हो जाते हैं कि अपनी जिंदगी उनकी जिंदगी से कंपेयर करने लग जाते हैं भाई साहब। और मुझे ये लॉजिक इनका बिल्कुल समझ में नहीं आता, क्योंकि जितना बड़ा हमारा पूरा प्लॉट है, इतना बड़ा उनका बाथरूम होता है, और जितना सोना हम सोते वक्त सोचते हैं उतना सोना ये पहन के सोते हैं। कहाँ हो रही है लाइफ में हमारी, बताओ मेरे को यार। सो हे गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आइए आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो आज हम मेनली बात करने वाले हैं पहरेदार पिया की सीरियल के बारे में, जिसका कोई सेंस है नहीं। 2017 में आया हुआ है सीरियल, तुम्हें सन 1800 की पूरी फीलिंग देगा, और इसको देखने के बाद तुम्हें पूरा नॉस्टैल्जिक फील होगा, क्योंकि ये सीरियल तुम्हारे जमाने का है ही नहीं यार। ये तुम्हारे दादा नहीं, पर दादा उनके भी दादा इस जमाने का है। अरे नहीं भाई। तो इस सीरियल की स्टोरी कुछ इस प्रकार है। एक आदमी होता है जो बहुत अमीर होता है, मतलब बहुत ज्यादा रईस होता है, क्योंकि ये सीरियल है तो अमीर तो होना बनता है, क्योंकि गरीबों से इनको एलर्जी है। अभी अनुराग कश्यप की मूवी थोड़ी ना है, है ना। तो सीन ये होता है कि आदमी मरने वाला होता है, इसके 9 साल के बेटे को जान की खतरे होते हैं, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी उसके नाम पे होती है। तो अपने बेटे की सेफ्टी के लिए 18 साल की लड़की को बोलता है कि मेरे बेटे से शादी कर लो प्लीज। What? नहीं मतलब बच्चे को सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि उसके पिताजी निपटने वाले हैं, तो उसके पिताजी बच्चे की शादी करवा देंगे, पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दिलवाएंगे उसको। नहीं क्या लॉजिक है यार, किसी का जान खतरे में तो अरे यार तू शादी कर ले, सब फ्री है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तू बहुत सिक्योर रहेगा फिर। और दुख की बात है लड़की शादी कर भी लेती है। चलो माना कि सीरियल वालों को लॉजिक से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन से तो थोड़ा मतलब रख लेते हैं। 2017 में दिखा रहे हैं। तोबा। अब तुम लोग बोलोगे निक जोनस और प्रियंका ने भी तो शादी करी है। बाल विवाह नहीं करी उनने, मैच्योर होने के बाद करी है। प्लीज हमारा लहंगा पकड़ लीजिए ना, हम अपनी पायल नहीं पहन पा रहे। ठीक है नहीं मतलब क्या, अभी तो उसके बाप ने तो बोला भी नहीं था कि मेरे बेटे से शादी कर लो, यहाँ पहले ही आशिकी चल रही है इनकी। बैकग्राउंड म्यूजिक सुना इनका, बंदे को नहीं भी पता होगा ना तो भी बता रहे आ रहे इनकी सेटिंग होने वाली है। तुम देखो तो सही, अगले एपिसोड में इनका ब्याह भी कराएंगे हम। देखिए करते हैं मोहब्बत इनसे, सपोर्ट करेंगे, लेकिन नहीं ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। इंडियन सीरियल लॉजिक इनटू जीरो। बंदे की जितनी हाइट है उस हाइट के दीवार है, और वहां से वो गिर रहा है तो दीवार से चिपक के लहरों लहरों करके गिर रहा है। मतलब अगर कुछ तुम फेंक रहे हो नीचे से या गिर भी रहा है तो वो इस तरफ को गिरेगा ना, इतनी साइंस तो सबने पढ़ी है। लेकिन ये तो दीवार से चिपक के गिर रहा है ताकि वहां पकड़ के लटका रहा है कि कोई आके बचा ले। अब इस बालक की जान को खतरा सिर्फ नीचे गिरने से नहीं है, क्योंकि डायरेक्टर को और मजे लेने थे तो इनने बिजली के तार भी तोड़वा दे कि करंट लग के बच्चा मर जाएगा। लेकिन उसके बाद आशिकी भी तो दिखानी है, इनकी माशुका आएगी डंडा लेके बचाने के लिए इन्हें। तालियां होनी चाहिए। और फिर खुद करंट लग के गिर जाएंगे। दिया आंखें खोलिए, प्लीज आके खोलिए दिया। मेरे को बस एक बात बताओ, तुम्हारे घर वालों ने बचपन से सिखाया होगा बेटा कि तुमसे बड़े को तुम्हें आप करके बात करनी है, और दीदी भैया ऐसे करके बात करनी है ना। ये तो राजा महाराजा का औलाद है, इसको भी तो सिखाया ही गया होगा, तो ये नाम लेके क्यों बात कर रहा है। पता है आपने इतनी देर से आंखें नहीं खोली, हमें लगा आप मर ही गई। हम कैसे मर सकते हैं, अगर हम मर गए तो आपसे शादी कौन करेगा। इसी ने इसको सिखा दिया होगा पहले ही कि देख तेरे को जिसको दीदी बोलने का है तू बोल, मेरे को दीदी नहीं बोलेगा तू, मेरे को तेरे से शादी से करनी है।
गाना देखो बैकग्राउंड में, ये एक बालक है, उसके लिए ऐसे गाने चल रहे बैकग्राउंड, ला ला ला। सही है, ये भी ठीक है। No, God, please, no, no! ये भाई साहब ड्राइंग बुक में कलर भरने की उम्र में मांग भर रहे हैं और स्कूल जाने की उम्र में हनीमून पे जा रहे हैं। और तुम्हें हमें इन सोशल मीडिया पे जो निब्बा निब्बी हरकतें करते हैं उनसे दिक्कत है। अब इनके लिए क्या ही बोले फिर हम, इन्होंने तो लेवल ही क्रॉस कर दी, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच चुके हैं ये। और ये सीरियल तो अडल्ट लोगों ने ही बनाया होगा ना, पढ़े लिखे लोगों ने, और जो सोशल मीडिया पे कर रहे हैं वो तो नादान परिंदे हैं। बताओ जब सिखाई ये रहे तो बच्चे करेंगे क्या, यही करेंगे ना फिर। अरे नहीं भाई, अब मेरे को लगता है ना इसके पिताजी ने मस्त क्रोनोलॉजी बिठाई होगी अपनी, तब जाके इसके शादी करने के लिए बोला होगा कि भैया मेरे बेटे से शादी कर ले, क्योंकि इन्होंने देखा कि अरे पैसा तो बहुत सारा है, अंधा पैसा है, लड़का हमारा पढ़ लिख के करेगा ही क्या, एक काम करते हैं शादी करा देते हैं, आशिकी कर लेगा। और इनका बालक भी बहुत तेज भाई साहब, बहुत तेज, फुल मजे भी ले रहा है आशिकी में। इनकी शादी करा दी, ठीक है, ठीक नहीं है फिर भी ठीक है, मान लेते हैं। इनके सुहागरात भी करा रहे हैं, लड़की उसको लला लला लोरी सुनाएगी, दूध की कटोरी दूध में बताओ साथ। और इतना ही नहीं, इनका हनीमून भी हो रहा है, वो तो शुक्र है ये सीरियल बैन कर दिया गया, नहीं तो ये सब एपिसोड में बेबी भी लेके आते हैं, ये कुंवर सा का बेटा है, विच इज नॉट पॉसिबल, लेकिन सीरियल है तो पॉसिबल, कुछ भी पॉसिबल है, सब पॉसिबल है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। कौन है? हम हैं, अपनी पत्नी को लेकर आए हैं। अपनी पत्नी को लेकर आए हैं, पत्नी लेके आए हैं। इनकी उम्र का बालक गाड़ी में जब मुंह निकाल के ये बोले ना कि हम हैं रिमोट कंट्रोल गाड़ी लेके आए हैं, अच्छा भी लगेगा, पत्नी लेके आ रहे हैं ये। ये सीरियल लोगों की फैमिली 8:30 बजे बैठ के साथ में देखा करती थी, बच्चों की आशिकी, पहरेदार पिया की नामी क्यों रखा है इसका। बालक की प्रेम कहानी, रहीस बालक की प्रेम कहानी, नादान परिंदे, ऐसे नाम रख देते। कोई सेंसेस बात? आज हम बताते हैं आप क्या पहनेंगी आपकी स्वागताल की रस्म के लिए। ये पहनिए, हमें जितनी अच्छी लगती उतनी सबको अच्छी लगेंगी। आपको इतने अच्छे लगते हैं हम? इतनी नहीं, इतना। देखो आशिकी, देखो इनकी कपड़े भी वो छुटकू डिसाइड करेंगे इनके पहनने के लिए, और इनको अच्छी लगती है तो सबको अच्छी लगेगी जो उन कपड़े में है। वाह क्या बात। अगर तुमने ये शो देखा था ना, तो यार तुम्हारे लिए मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, क्योंकि मेरे को तो मजबूरी में देखना पड़ा है फिलहाल। और अगर तुम अब भी सीरियल देख रहे हो ना, तो छोड़ दो यार, छोड़ दो, क्योंकि तुम आगे जाने की जगह पीछे जाते जा रहे हो। फिर बोलते हो कि हिंदुस्तान की सोच नहीं बदल रही है। Well done. भाई साहब शुक्र है सीरियल को बंद करवा दिया गया था, कि किसी को तो होश आया कि नहीं 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 ये तो हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन जो चल रहे वो भी अच्छे नहीं है। Believe it, believe it, believe it. यार कंटेंट की कमी सीरियल वालों की ही नहीं है, कार्टून वालों को भी होते जा रही है। पता नहीं इनके दिमाग में क्या आ रहा है, हर चीज में प्यार मोहब्बत आशिकी ही घुसाए जा रहे हैं। बहुत जरूरी है प्यार तुम्हारी जिंदगी में, बच्चे बिगाड़ रहे हो तुम हमारे। छोटा भीम ये लड्डू खा के ताकतवर हो रहा है, मोटू पतलू ये समोसा खा के ताकतवर हो रहे हैं, और इनका कॉन्सेप्ट पोपाय द सेलर मैन से चुराया हुआ, कम से कम वो पालक खा के ताकतवर होता था, ये फैट फूड खा के ताकतवर कैसे हो रहे हैं। इन कार्टूनों के कॉन्सेप्ट भी सबके सेम ही है, एक छोटा भीम आया इसके जैसे 10 और आ गए, ऑगी द कॉकरोचेस आया इसके जैसे 10 और आ गए। आजकल के बच्चों के लिए ना बड़ा बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है, क्योंकि हमारे टाइम में कितने अच्छे अच्छे कार्टून थे यार, वैरायटी थी हमारे पास, रिच रिच नॉडी ये वो, बड़े अमीर थे यार हम बचपन में, ये आजकल के बच्चों। सो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज, इंस्टाग्राम के लिंक दी हुई डिस्क्रिप्शन में, फॉलो भी कर देना। और एक बात करनी है आपसे, अगर आप चाहते हो कि मैं एनिमे रिव्यू करूं तो प्लीज कमेंट करके बताओ, करेंगे मजा आएगा।